वीडियो को पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ध्यान से सुनना। बहुत सारी चीज़ें मैं लिखूंगा, बहुत सारी चीज़ें मैं बोलूंगा। हो सकता है कि बोलने वाली चीज़ों को आपने नहीं सुना तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रीलिम्स एंड बोर्ड एग्जाम्स दोनों के लिए हेल्प होंगे। साथ में ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने इसके ऊपर 2000 लाइक और 500 कमेंट जैसे कंप्लीट किया, वैसे ही मैं आपको साइंस वन के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को इसे शेयर करो और साथ में ये वीडियो सुबह के मॉर्निंग नहीं, कल इवनिंग के 10 बजे तक ये वीडियो दोस्तों क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और मे भी अगर मुझे उसके पहले लगा तो मैं फिर भी डिलीट कर दूंगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मुझे आपके मेहनत को भी चेक करना है, क्या आप रोज़ का मेहनत रोज़ कर रहे हो कि नहीं। अगर आप आज ही इस वीडियो को नहीं देखोगे तो फिर मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा, फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बस मेहनत कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हो। तो और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ वो गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये राउंड वन के क्वेश्चन है। और इसे अगर आपने अच्छे से कवर किया तो आराम से इस क्वेश्चन से भी आप 35 मार्क्स तक पहुँच सकते हो। और आगे के जो 5 मार्क्स चाहिए वो मैं राउंड 2 में हमेशा प्रोवाइड करता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद फर्स्ट पेज पे अगर आप जाते हो तो फर्स्ट पेज पे आपको लाइन नंबर सेकंड दिखाई देता है। मैंडल वाला जो लाइन है वो हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद लास्ट में एक फिलिंग द ब्लैंक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसके बाद 3 डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो डेफिनेशन है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। और म्यूटेशन का पेज नंबर सेकेंड में आप नीचे आओगे तो एक म्यूटेशन का डेफिनेशन है, वहाँ पर दोस्तों एक फिलिंग द ब्लैंक्स है। लास्ट लाइन में लास्ट वर्ड, सेकेंड पेज पे लास्ट लाइन पे जो लास्ट वाला सिकल सेल एनीमिया लिखा है, एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको पेज नंबर थर्ड में बस आपको एक डेफिनेशंस कवर करना है। जो डेफिनेशंस है दोस्तों इवोल्यूशन का जो डेफिनेशंस है वो बस आपको कवर करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देन इसके बाद अगर आप पेज नंबर 4 पे आते हो तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी बेस में क्वेश्चंस जो दिखाई दे रहे हैं, जो बाजू में ऐसे डॉगी टाइप में दिखाई दे रहे हैं, ये सब पार्ट को आपको बस एक बार देख लेना है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन इसके बाद दोस्तों वेस्टिजियल ऑर्गन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्लीज़ इसे मार्क कर लो नहीं तो पछताओगे। और टारगेट लाइक जो दिया है वो भी कंप्लीट कर लो। साथ में अगर आप हमसे पर्सनली पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे एप्लीकेशन का लिंक आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रहा होगा, उसका लिंक आपको हम दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लो। और आप नीचे वीडियो के अगर 5000 कमेंट करते हो, कितना 5000, तो मैं आज आपको एक गिफ्ट दे रहा हूँ। मैं हर एक लेसन का मैं आपको 2 पेज का नोट्स प्रोवाइड करूँगा, 2-2 पेज के, मतलब पूरा का पूरा साइंस 2 आपका 20 पेज में मैं कवर कर दूंगा। 20 पेजेस में पूरा का पूरा साइंस 2 मैं कवर कर दूंगा। बट इसमें मुझे लगेगा बहुत मेहनत, पर अगर ये 20 पेजेस में अगर मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा, मतलब बस वो 20 पेज पढ़ के जाना, आउट ऑफ 40 आएगा, मेरी गारंटी है। बट उसके लिए आपको करना होगा 5000 कॉमेंट। ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप अपने दोस्तों को सब जगह जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। ये काम मैं इस बार महाराष्ट्र लेवल पे करने वाला हूँ, बट उसके लिए सच में अगर आपको ज़रूरत है तो मैं ज़रूर करूँगा। साथ में दोस्तों वेस्टिजियल ऑर्गन के बाद एक फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स आपको नोट डाउन करना चाहिए। पेज नंबर 5 पे फॉसिल करके फिलिंग द ब्लैंक्स है, लास्ट लाइन में, सेकेंड लास्ट लाइन में। देन इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज नंबर 6 पे कार्बन डेटिंग मैथड का बस आपको एक क्या करना है पता है, कार्बन डेटिंग मैथड आपको सिंपल सा अपने दिमाग में बिठा लेना है कि व्हाट इज़ कार्बन डेटिंग मेथड। देन दोस्तों इसके बाद आपको एक क्वेश्चन मैं देना चाहता हूँ, डार्विन थ्योरी के ऑब्जेक्शंस एंड डार्विन थ्योरी, और उसका एक फिलिंग द ब्लैंक्स है, डार्विन ने कौन सा बुक पब्लिश किया था। देन उसके बाद लेमार्किज्म का अगर आपको 2 से 3 पॉइंट्स पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। और ह्यूमन एंड इवोल्यूशन में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर बस आप एक फिलिंग द ब्लैंक्स है वो अच्छे से कर लेना। पेज नंबर 9 में लास्ट पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन, सर आपको इतना कैसे पता है? भाई इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, लाइन तक पता है, लाइन का एक लाइन पता है। पेज नंबर 10 पे एक फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत बार पूछा जा रहा है, वो फिलिंग द ब्लैंक्स है दोस्तों सेकंड लास्ट पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन। एंड दोस्तों इसके साथ आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में बस फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, चार्ट, कोरिलेशन, ये सब क्वेश्चंस बस कवर करना है, बाकी और क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं। कहीं पे कुछ ज़रूरत पड़ा तो ज़रूर मैं आपको गाइड करूँगा। लेसन नंबर सेकेंड में आपको एक फिलिंग द ब्लैंक्स में सबसे पहले बता दे रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है। सर इसका फिलिंग द ब्लैंक्स कहाँ पे, तो आपको पेज नंबर 12 पे ही मिल जाएगा ये फिलिंग द ब्लैंक्स, लाइन नंबर लास्ट पैराग्राफ का लाइन नंबर सेकेंड। एंड देन दोस्तों इसके बाद आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ वो है पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर 16 पे फ्लो चार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेज नंबर 17 पे वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। और वाटर जो है उसको हम न्यूट्रिएंट की तरह, वाटर इज़ एन असेंशियल न्यूट्रिएंट, ये ग्यू रीजन कर लेना और फाइबर्स वाला भी ग्यू रीजन कर लेना। एंड दोस्तों इसके बाद माइटोसिस और मियोसिस का डिस्टिंग्विश कर लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट में। और अगर आपको सेफ साइड में रहना है तो थोड़ा सा माइटोसिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, मियोसिस का बस डायग्राम कर लोगे तो भी काम हो जाएगा, बस इसमें इतना ही करना है। साथ में पेज नंबर 21 में एक्सरसाइज में मैं आपको क्वेश्चंस देना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में 3 वाला और लास्ट वाला क्रैब साइकिल इज़ ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल, वो वाला। और बस और एक आपको एक ग्लाइकोलिसिस का डेफिनेशन पढ़ लेना चाहिए बस। और एक और फिलिंग द ब्लैंक्स है, हाँ भूल गया मैं, एक और फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पेज नंबर 15 पे एनर्जी प्रोडक्शन वाला जो पार्ट है उसमें लाइन नंबर सेकेंड, ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन आर 2 स्टेप इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब दोस्तों इसके बाद अगर आप आगे आते हो लेसन नंबर 3 में आते हो तो लेसन नंबर 3 में आपको सबसे पहले सभी प्रोसेस के एग्जांपल्स याद कर लेने। बाइनरी फ्यूजन के एग्जांपल्स क्या हैं, मल्टीपल फ्यूजन के एग्जांपल्स क्या हैं, बडिंग में यूनिसेलुलर में एग्जांपल्स क्या है, बस एग्जांपल्स और डायग्राम बस, बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाद में फिर इसके बाद दोस्तों आप डायरेक्ट आ जाओ, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिस्टिंग्विश है। बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, में आप उसका डायग्राम अच्छे से कर लेना। और अगर आपने मेरा ईजी ट्रिक का वीडियो देख लिया तो आपका ऐसे ही लेसन याद हो जाएगा। देन दोस्तों इसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको ब्रीफ आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं, बस उसका डायग्राम के पार्ट्स आपको लेबलिंग करने के लिए आना चाहिए और उसके किसी भी 2 पार्ट्स का फंक्शन पता होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद आपको डायरेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम पता होना चाहिए। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का अगर आंसर नहीं याद हो रहा होगा तो ईजी ट्रिक का मेरा वीडियो है, ईजी ट्रिक गिरी ट्यूटोरियल्स, लेसन का नाम डालो लाइव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, डायरेक्ट मिल जाएगा। मस्त हेडफोन लगाओ और 15 से 20 मिनट में आंसर्स याद हो जाएंगे। बाद में दोस्तों आईवीएफ, सर्वोगेसी, ये 2 पार्ट आपको अच्छे से करना है, स्पर्म बैंक तीनों। बाद में व्हाट आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्विंस, ये पता होना चाहिए, चलो कमेंट करके बताओ। अब आपको एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, तो दोस्तों एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 4 का C एंड दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 7 बस इनफ है। दोस्तों एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में जो मेरा सबसे पावरफुल क्वेश्चन है वो है सेक्रेड ग्रुप, किसी भी हालत में करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड दोस्तों इसके बाद आपको कि फैक्टर अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट वो कवर करना चाहिए। देन इसके बाद दोस्तों आपको एनवायरमेंटल कंजर्वेशन वाला एक तीसरा क्वेश्चन करना चाहिए। हाँ पिछले बार मैंने बोर्ड एग्जाम में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया था जो सब लोगों ने बोला था नहीं आएगा, पर मैंने बोला था आएगा और वो सच में आया। पेज नंबर 41 पे हमें अलग अलग एक्ट्स दिए गए हैं, उस एक्ट का आपको ईयर पता होना चाहिए। देन इसके बाद जादव मोलाई पायेंग की जो स्टोरी है बस वो स्टोरी एक बार रीड कर लेना। एंड व्हाट आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, वो पार्ट पढ़ लेना। एंड दोस्तों हाउ कैन बी बायोडाइवर्सिटी कंजर्व, ये जो आंसर है ये अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेना। देन पेज नंबर 44 पे ये येलो वाला पार्ट है, उसके अंदर लोकेशन का क्वेश्चन है दोस्तों कि मानस नेशनल पार्क कहाँ पे आसाम में है एंड सुंदर नेशनल पार्क कहाँ पे, सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे, वो पता होना चाहिए। और साथ में वहाँ पे थ्रेटन स्पीसीज कौन कौन से है वो पता होना चाहिए। आप बोल रहे होंगे कि सर इतना सारा वीडियो कैसे सुने, तो मुझे भी इतना सारी चीज़ें बताने में तकलीफ़ हो रहा है ना, तो अगर आपको ऐसा तकलीफ़ हो रहा है तो मुझे भी हो रहा है, तो आपको इसलिए बहुत अच्छे से सुनना है, आपको पूरा का पूरा 40 मार्क्स का आइडिया आ गया है। देन इसके बाद दोस्तों पेज नंबर 45 पे जो भी आपको थ्रेटन स्पीसीज दिए गए हैं बस उसका आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स याद करना है, वो पूरा आंसर से याद करने की ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर 46 पे आपको देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो दिखाई दे रहा है वो वाला पार्ट आपको बस कवर कर देना है। देन इसके बाद दोस्तों टूवर्ड ग्रीन एनर्जी में जितने भी फ्लो चार्ट है वो अच्छे से कवर कर लेना, एक भी फ्लो चार्ट आपको गायब नहीं करना है। बाद में दोस्तों फ्लो चार्ट आप पूरा का पूरा प्रोसेस डायग्राम नहीं करोगे तो भी चलेगा। और दोस्तों उसके बाद आपको कौन सा पार्ट कर लेना चाहिए पता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का। एंड देन क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसके बाद आपको 9। बाकी ये फटाक से आप लेसन कवर कर सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद बचे हुए लेसन नंबर 6 से आपको अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप प्लीज़ नीचे कॉमेंट करना, मैं लेसन नंबर 6 से भी इम्पॉर्टेंट दे दूँगा और अप टू लेसन नंबर 5 तक मैंने इम्पॉर्टेंट प्रोवाइड कर दिया है, तो वो इम्पॉर्टेंट आप फटाफट ले लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।